अभी हाल ही में सरकार ने निजी अस्पतालों में नींद केयर योजना बंद की और ये आनन फानन में निर्णय ले लिया गया। और आज जो उत्तर आया है, पहले तो जो मंत्री जी ने उत्तर दिया उसमें कहा कि भाई कोई अनियमितताएँ नहीं थी और हमने ये सोचा कि इसको बंद कर दिया जाना चाहिए निजी अस्पतालों में, क्योंकि हमारे अस्पताल बहुत अच्छे हैं इसलिए हमने बंद कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है तो उन्होंने कहा है स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी सुधार नहीं हुआ है, सारे के सारे प्रदेश के अस्पताल जो हैं वो रेफरल अस्पताल जो हैं वो बने हुए थे और उसकी वजह से जो है इसको बंद किया गया है, क्योंकि देनदारी बहुत हो गई थी और पैकेज बहुत बड़े बड़े जो हैं वो इन सभी निजी अस्पतालों ने बनाए हुए तो, और उसमें अनियमितताएँ पाई गई हैं और उसके लिए हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। तो ये सरकार ही के दोनों प्रश्न जो हैं वो विरोधाभासी हैं और ये सभी अस्पताल जो हैं ये इम्पैनल्ड भी हैं सरकार के साथ बहुत लंबे समय से। जब इस तरह की जो है वो सरकार से ही जवाब आ रहा है और अभी तक पूरी देनदारी भी नहीं दी गई है तो इनकी इम्पैनलमेंट भी सरकार को रद्द कर देनी चाहिए थी और अपनी सुविधाएं जो हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, तो इसका नुकसान जो है वो सीधे सीधे उन लोगों को है जो अपने उपचार के लिए अस्पताल का रुख करते हैं, चाहे वो निजी हो या सरकारी। व्यक्ति तो वहीं जाएगा जहाँ उसको लगेगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, वहाँ क्यों जाएगा जहाँ उसे लगेगा कि मेरा उपचार ही ठीक से नहीं होगा। तो मुझे लगता है विरोधाभासी मंत्री और मुख्यमंत्री जी के उत्तर दोनों आज के इस विषय पर आए हैं और हम तो चाहते हैं कि इनकी एम्पैनलमेंट भी रद्द की जानी चाहिए। सब कमेटी बनी है अपनी स्तर से करे और वो जो है उसके जनता से भी उसको सुझाव लेने चाहिए कि क्या बात है, किस तरह की जनता जो है वो चाहती है कि उनको सुविधाएं अस्पतालों के अंदर मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने इसको कहा और इसको लेकर तक ये भी कहा गया है कि हमारे उस पर बात करता था, उसमें काम की जाँच इसमें हो रही है तो इसे आयुष्मान योजना तो केंद्र सरकार की है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति कटू करता है तो मैं भी जाकर के कटू देती हूँ। हमें तो अपना इनको तो अपना ढांचा ठीक करना है और अगर हिम केयर में अनियमितताएँ पाई गई हैं तो सदन में उत्तर आया उसमें तो कहा कि अनियमितताएँ पाई ही नहीं गई हैं, तो बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पाई गई हैं, सब कमेटी बनाए बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब कमेटी बन गई, अगर बन गई है तो ये इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, इनकी इम्पैनलमेंट भी रद्द कर दी जानी चाहिए तब तक जब तक कि इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि खुद उन्होंने माना है कि बहुत बड़े बड़े पैकेज जो हैं वो निजी अस्पतालों ने बनाए हुए हैं, जो जो भी मरीज जाता है वहाँ पर उसको लूटने के लिए, ना कि उपचार के लिए। सर नहीं, अब उन्होंने कहा कि भाई स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, इसमें डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, अब उसकी सूची तो कहीं जारी हुई नहीं है, ये अस्पताल ने अपने बाहर तो लगाई नहीं हुई है। कोई भी मरीज जब जा रहा है तो उसको सीधे कहते हैं कि भैया आपकी तो ये जो स्कीम है ये अब हमारे यहाँ बंद हो गई है।